नमस्कार, आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर को ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं तो उसके ऊपर एक बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? ये 20 HP 20 हॉर्स पावर 400 वोल्ट 950 RPM 3 phase 50 Hz 6 pole केज इंडक्शन मोटर ड्रॉ 6 times द फुल लोड करंट, यानी कि फुल लोड करंट कितना है स्टैंड स्टील पर, वो 6 times फुल लोड करंट का ड्रॉ करती है 400 वोल्ट पर, एंड डेवलप 1.8 times फुल लोड रनिंग टॉर्क, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क कितना है उसका 1.8 times ऑफ फुल लोड टॉर्क। द फुल लोड करंट इज 30 A, उसका ये फुल लोड करंट कितना है 30 A। तो अपन को निकालना क्या है इसमें, व्हाट वोल्टेज मस्ट बी अप्लाइड टू प्रोड्यूस फुल लोड टॉर्क एट स्टार्ट, यानी कि स्टार्टिंग कंडीशन में अगर अपन फुल लोड टॉर्क निकालना चाहें, प्राप्त करना चाहें, तो कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, व्हाट करंट विल दिस वोल्टेज प्रोड्यूस, जो वोल्टेज आपका स्टार्टिंग में वोल्टेज प्राप्त होगा उस पर कितना करंट होगा वो निकालना है। इफ दिस वोल्टेज ऑब्टेन बाई एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, अगर अपन यही वोल्टेज अगर अपन ऑटो ट्रांसफॉर्मर से प्राप्त करना चाहें तो व्हाट विल बी द लाइन करंट, तो उस कंडीशन में लाइन करंट क्या होगा। और चौथा जो पॉइंट है या चौथा जो क्वेश्चन है, इफ द स्टार्टिंग करंट इन द लाइन इज लिमिटेड टू फुल करंट लोड, यानी कि स्टार्टिंग करंट किसी लाइन का फुल लोड करंट के बराबर ही है, इतना ही करंट फ्लो हो सकता है उस लाइन में बाई एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, व्हाट विल बी द स्टार्टिंग टॉर्क एज ए परसेंटेज ऑफ फुल लोड टॉर्क, ये अपन को निकालना है। तो इसमें अपन क्या एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम करना है कि फुल लोड सिर्फ एज 5%, फुल लोड सिर्फ कितनी है 5%, एंड नेगलेक्ट मैग्नेटाइजिंग करंट एंड द स्टेटर इम्पीडेंस ड्रॉप, यानी कि मैग्नेटाइजिंग करंट और स्टेटर इम्पीडेंस ड्रॉप को अपन क्या करना नेगलेक्ट करना। तो चलो इसको अपन कैसे सॉल्व, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि शॉर्ट सर्किट करंट कितना है स्टार्टिंग करंट, यानी कि अगर अपन मोटर को अपन डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट करें उस कंडीशन में जो स्टार्टिंग करंट होता है वो शॉर्ट सर्किट करंट कहलाता है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या क्वेश्चन में देखे 6 IA, यानी कि फुल लोड करंट का 6 times, यानी कि फुल लोड करंट कितना 30 A, तो ये ISC क्या हो गया 180 A, यानी कि ये क्या हो गया स्टार्टिंग करंट एट फुल लोड वोल्टेज, और स्टार्टिंग जो टॉर्क है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1.8 ऑफ द फुल लोड टॉर्क, ये आपको दे रखा है, अपने दोनों चीजें अपने यहां पर लिखी। अब एक के बाद एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो सॉल्व करना है, सपोज अपन को इसमें क्या करना था अपन को कि अगर स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क इक्वल हो, स्टार्टिंग कंडीशन में फुल लोड टॉर्क के बराबर अगर अपन को टॉर्क जनरेट करना था कितना वोल्टेज अपन को अप्लाई करना पड़ेगा। तो अपन ने देखा कि स्टार्टिंग टॉर्क यानी कि जो टॉर्क है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड जो वोल्टेज होता है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए मैं क्या बोलते हैं टी डैश स्टार्टिंग और टी स्टार्टिंग, अगर अपन इसको बी डैश पर टी डैश स्टार्टिंग बोलते हैं और इसको टी स्टार्टिंग बोलते हैं तो क्या होगा बी डैश अपॉन बी का होल स्क्वायर। अब टी डैश क्या है फुल लोड टॉर्क और टी स्टार्टिंग क्या 1.8 फुल लोड टॉर्क, तो इसका जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा 1.1/1.8, तो ये और ये, तो इससे बी डैश निकाल सकते हैं, तो बी डैश की जो वैल्यू आई वो क्या होगी 1/1.8 √B, यानी कि स्टार्टिंग वोल्टेज कितना है 400/1.8, यानी कि 298.14 वोल्ट, यानी कि स्टार्टिंग कंडीशन में फुल लोड टॉर्क अपन को कितने वोल्टेज पर प्राप्त हो जाएगा, यानी कितना वोल्टेज अगर अपन अप्लाई करें स्टार्टिंग में जो फुल लोड टॉर्क है वो आपको मिल जाएगा। अब इस कंडीशन इस वोल्टेज पर जो करंट जो प्रोड्यूस होगा एट स्टार्टिंग वो क्या होगा, वो होगा आपका स्टार्टिंग
करंट एट फुल लोड और अप्लाइड जो अपना रिड्यूस वोल्टेज है अपॉन वोल्टेज, यानी कि स्टार्टिंग जो टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस वोल्टेज पर कितना करंट फ्लो होगा, क्योंकि फुल वोल्टेज पे इतना करंट फ्लो हो रहा था, रिड्यूस वोल्टेज आपका ये है और अप्लाइड वोल्टेज आपका पहले स्टार्टिंग में ये था। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 134.163 एम्पीयर इतना करंट आपको प्रोड्यूस होगा। ये लाइन करंट के बराबर होगा क्योंकि जो रोटर है आपका स्टार में करेंट। अगर अपन इस वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए एक ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करें तो ऑटो ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो क्या होगा, वो होगा B-V। इसको अगर सेकेंडरी वोल्टेज बोलते हैं, इसको अपन प्राइमरी बोलते हैं। तो सर ये क्या होगा, 298.14/400, यानी कि जो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा वो क्या होगा, ये होगा। अब ऑटो ट्रांसफार्मर में जो लाइन करंट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, K²ISC। K की वैल्यू अपन ने ये रख दी, ISC अपन को पता है, तो ये 100 एम्पीयर करंट लेगा। यानी कि अब इसमें देखो बिना ऑटो ट्रांसफार्मर एक करंट कितना ले रहा है आपका, 134.163 एम्पीयर, और ऑटो ट्रांसफार्मर से कितना ले रहा है आपका, 100। क्लियर हुआ। यहां पर एक जो लिमिट थी वो क्या थी, जबकि इसकी लिमिट क्या है, फुल लोड करंट के लिमिट के बराबर, स्टार्टिंग करंट की लिमिट क्या है, फुल लोड करंट की लिमिट के बराबर। तो अब इस चीज को कैसे देखेंगे, तो इसके लिए अपन को क्या, इस चीज को प्राप्त करने के लिए अपन को जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है उसका जो ट्रांसफॉर्मर रेशियो वो कैसे निकालेंगे, यानी कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर रेशियो टू प्रोड्यूस स्टार्टिंग लाइन करंट इक्वल टू फुल लोड करंट। तो के की वैल्यू क्या होती है, IST अपन ISC का अंडर रूट होती है, और ये क्योंकि IST IF है और ISC का 6 IF, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.408। यानी कि जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूज करना है उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वो आपका ये रखना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आपका स्टार्टिंग टॉर्क कितना है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, K²ISC/IF² SF×TF, वैल्यू रख दो, K की वैल्यू रख दो, ठीक है, ISC/IF क्या होगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि ISC/IF 6 हो जाएगा, 6 SF 0.05 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, × TF। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.3 फुल लोड टॉर्क, यानी कि 30% ऑफ फुल लोड टॉर्क ही प्राप्त होगा अगर अपन ये रेस्ट्रिक्शन है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो फुल लोड टॉर्क के बराबर। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।